एक सज्जन बनारस पहुंचे, स्टेशन पर उतरे ही थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मामा जी, लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं, बोले तुम कौन? मैं मुन्ना, आपने पहचाना नहीं मुझे? मुन्ना, वे सोचने लगे, हाँ मुन्ना, भूल गया मामा जी। खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहां कैसे? मामा जी बोले, मैं आजकल यही हूं। अच्छा, हाँ। मामा जी अपने भांजे के साथ बनारस घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुंचे गंगा घाट, सोचा नहा ले। क्यों मुन्ना, नहा ले? जरूर नहीं है मामा जी, बनारस आए और नहाएंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई, हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का मुन्ना भी गायब। मुन्ना है मुन्ना, मगर मुन्ना वहां हो तो मिले। वे तौलिया लपेट कर खड़े रहे। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा है? कौन मुन्ना? वही जिसके यहां मामा है। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा है वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहां से वहां दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर के नाते हमारी यही स्थिति है मित्रों। चुनाव के मौसम में कोई आता है और हमारे चरणों में गिर जाता है। मुझे नहीं पहचाना, मैं चुनाव का उम्मीदवार, होने वाला एमपी, मुझे नहीं पहचाना। आप प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं, बाहर निकलने पर आप देखते हैं कि वो शख्स जो कल आपके चरण छूता था, आपका वोट लेकर गायब हो गया है। वोटों की पूरी पेटी लेकर भाग गया। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्यों साहब, वो कहीं आपको नजर आया? अरे वही जिसके हम वोटर हैं, वही जिसके हम मामा हैं। 5 साल इसी तरह तौलिया लपेटे घाट पर खड़े बीत जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इलेक्शन इंडिया में भी होने और बांग्लादेश में तो जनवरी में होने, ऐसी फस्ताइयत नहीं कहीं भी आपको मिलेगी। बक्से उठाने का बांग्लादेश में भी हो गई है। आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान, मैं कुरबान इमरान खान। आज हमने स्पेशल शख्सियात पे बात करनी है। उससे पहले बता दें, खान पे एक और केस बनने लगा जी, एक और केस खान के ऊपर बनने लगा है, तैयारी हो गई है। दूसरा एहतजाज करना था, खान के रास्ते इन्होंने बंद कर दिए, तो वो चीदे टली के कलम दुआत वाले निशान पे है उनका प्रोग्राम, क्योंकि आज़ाद होएंगे तो इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि फिर जो है ना उनको ख़रीदना आज़ाद को आसान होता है, क्योंकि फिर रिजर्व सीटें मर जाएंगी, तो वो मेरे ख्याल से अलामा नासर अब्बास जाफरी साहब के साथ कर लें, इतादल बैनल मुस्लिमीन है, या वो शेरानी से कर लें जो फजल रहमान से टूट के आया हुआ, वगैरह वगैरह उनसे कर लें तो बेहतर है। ये अली तजवीज़ है, लेकिन शीदे टली अभी तो सर्विस करवा के आया। एक कोड है आजकल चौधरी निज़ामुद्दीन, वो डॉक्टर मोहित पीरजादा का कोड है, और ये शहबाज गिल भी यूज करता है, ढक्कन को कहता है ना। इन्होंने तो पाकिस्तान जाना, मेरी तो लाश ही जानी। अभी 3-4 दिन पहले कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी सारी फैमिली मेम्बरों की, तो मैं क्या, डब्बा आ रहा है, काजी आ रहा है, डब्बा आ रहा है। आखिर पे एक और बात कर लेते हैं, हमारा चैप्टर ये नहीं, स्पेशल एपिसोड अंसार उबासी और सुहेल बडाज। यकीन करो इनकी माओ को इनके बापों का नहीं पता, ये इतने बगैरत है, बने हुए कामरान खान और ये वो ढक्कन के बने हुए हैं कि ये होएगा था। इमरान खान जीत भी जाएगा फिर भी तो लड़ाई होएगी, तो वोट ना दो, ये अंसार बाजी कर, इसकी दाढ़ी बना जाना इसकी, मैं फिर और गलीज गाली शुरू हो जाएगी। तलाल चौधरी के साथ बड़ी प्यारी बात, चुमियाँ ही लेता रहा तो रह गया। अब आप ये करते हैं चौधरी निज़ामुद्दीन दी माँ दी फलानी तो टमकाने, आगे से हम बात करते हैं कि जो जो स्टोरी हमने करनी है, एक यहूदी लड़की की कहानी जो कि CIA की MI6 की एजेंट थी, लेकिन वो आफिया सिद्दीकी की तरह उसका ईमान जाग गया, फिर उसने तरक्की बड़ी की। ये हमारे हैं जी बंदे, इनका नाम है फिरोज मलक, फिरोज खान नून, और जो इनकी बेगम थी ये वकारुन्नसा नून, इसका असली नाम था विक्टोरिया रेखा। मलक साहब का पहले आपको बताते हैं, मलक साहब जो है ना समोका जिला सरगोधा के रहने वाले हैं, 7 मई 1893 को पैदा हुए,
9/12/1970 को वफात पाई। अच्छा जी, प्राइम मिनिस्टर रहे जी हमारे 16 दिसंबर 1957 से 7 अक्टूबर 1958 तक, मलिक फिरोज कानून, इनकी फोटो साथ साथ आपको दिखा देंगे। अच्छा जी, फिर डिफेंस मिनिस्टर भी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के हेड भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर जिसको कहते हैं। 12 अप्रैल 1956 से 7 अक्टूबर 1958 तक ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे। वाह जी वाह, कंबाइन का ये जो हमारा ये पाकिस्तान का सॉरी वो रहे जी 3 अप्रैल 1953 से 21 मई 1955। गवर्नमेंट बंगाल के भी ये गवर्नर रहे जी 31/3/50 से 31/3/53 तक। अच्छा जी, यहाँ पे तो आ गए, ये हो गए जी मलिक फिरोज खानून। इन्होंने शादी की, ऑस्ट्रिया कहीं गए तो वहाँ से एक लड़की इनको चिंबड़ गई, विक्टोरिया रेखा, वो काम करती थी हमारी सिर्फ के लिए। इससे पहले राजा रंजीत सिंह के साथ भी एक, उसको कहते हैं इधर वो जो क्रिश्चियन होती राहिबा जो शादी नहीं करती वगैरह, वो लैपटॉप पे आज जिससे मैंने खरीदा उसके यार ने उसको दिया था वगैरह वगैरह, वो फिर राजा रंजीत सिंह बात किधर से किधर चली गई, इधर उधर ही करनी पड़ती। राजा रंजीत सिंह को काबू करके ले गई, फ्रांस की थी वो, अभी भी वहाँ पे उसकी समाधि वगैरह। वकारोनसान नून के जो कारनामे उनको बताते हैं जी, ये 19 जुलाई 1920 को पैदा हुई, 16/1/2000 मुशर्रफ ने कू किया था उस वक्त ये फौत हुई। ठीक है जी, इसका सबसे बड़ा कारनामा जो है ना रेड क्रिसेंट को ये लाई थी, उस वक्त भी ये राहिबाई काम करती थी, सोशल वर्कर बहुत थी, कभी किस ओहदे पर रही, कभी किसके साथ रही। इसके साथ महमूदा सलीम खान एक बड़ी ज़ियाउलक के साथ थी, बेगम अतियान आयतुल्ला, जब ये मरी तो फिर उसके बाद अतियान आयतुल्ला रेड क्रिसेंट के सदर बन गई थी। बेगम जरी सरफराज खान, ब्रिगेडियर सरफराज खान की ये साथ वगैरह वगैरह रही। हाँ जी, इतवार का दिन है, खुलियाँ कचहरियाँ, आज की आज आखिरी दिन है, लाहौर हाई कोर्ट खुली और पिंडी और मुल्तान बेंच भी खुले हुए, वेल्डन पट्टी जो तू पट्टी है दुल्ला पट्टी लग गया, जब ये करता जो भू चाटता है तो फिर मैं उस वक्त इसको गालियाँ भी देता हूँ, इसके इसके जवाई को भी देता हूँ, साई को। अच्छा जी, फिर क्या था, इसने क्या क्या, ग्वादर नहीं था हमारे पास,